नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है, साथ ही बहस में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है किसान केंद्र की फिर बातचीत, क्या निकलेगा कोई हल? हल नहीं निकला है, लेकिन इसे सुबह 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कृषि कानूनों पर समाधान के रास्ते पर अब भी धुंध चढ़ी हुई है। आज की बैठक में सरकार ने फिर कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, मगर किसान संगठन के प्रतिनिधि राजी नहीं हुए और नतीजा यह रहा कि 15 जनवरी को फिर अगली बैठक होगी। इसका मतलब साफ है कि सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ देश को आर्थिक नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा है, खासकर दिल्ली में जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर पड़ा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ने का अनुमान है। सवाल यह भी है कि अगर गतिरोध बना रहा तो आगे मुश्किल और बढ़ सकती है। एक बार फिर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में दस्तक दी, फिर सरकार और किसान बातचीत के टेबल पर आए। बातें हुई, किसानों ने अपने इरादे बैठक में तख्ती लगाकर जाहिर कर दिए, तो सरकार ने भी कानून पर किसानों को मनाने की कोशिश की। आखिरकार तय हुआ कि अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। पिछले 44 दिनों से सुलह की कोशिशें जारी हैं कि हल निकले, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं। किसान हुंकार भर रहे हैं कि कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं। हम 13 तारीख को लोहड़ी भी मनाएंगे और जो ये कानून के कानून की कापियां भी पाड़ कर हम आग में फेंकेंगे। इधर केंद्र सरकार भी साफ करती दिखी कि कानून किसानों के हित में है, इसलिए कानून वापसी का कोई मतलब नहीं। बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किया जा सके। विज्ञान भवन में नवे चरण की बातचीत में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। इससे पहले सुबह गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की चर्चा हुई, ताकि किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। इससे पहले गुरुवार रात नानकसर डेरा मुखी बाबा लखा सिंह ने केंद्र और किसान के बीच खाई पाटने की कोशिश की। रिजल्ट तो कल नहीं से ही निकलेगा। अगर दोनों तरफ से कोई सोचे कि हम ऐसे डटे रहें, कोई बात ना करें, तो कभी कोई मसला हल नहीं होता। मसला तब हल होता है जब दोनों तरफ से कोई ना कोई तरफ से आगे कदम बढ़ाए। आंदोलन के चलते दिल्ली से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से लिंक लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि ना तो सामान जा पा रहा है और ना ही आ रहा है। ऐसे में व्यापार को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे रोजाना करीब 20 से 25 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी 40 दिन में 1,000 करोड़ से ज्यादा का झटका लग चुका है। देश की बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों हल के रास्ते में रुकावट है, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध और बढ़ गया है? आप जरूर हमें बताइए हाँ या ना में, क्या गतिरोध आपको बढ़ा हुआ लगता है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज को आप जानते हैं। शो के दौरान ही हम ये भी बताएंगे कि देश की बहस के दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, सवाल है या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा हैं कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ अभय दुबे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ राकेश टिकैत है नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के और किसानों के जाने माने नेता हैं, मेरे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं जो कि एक बहुत ही जाने माने किसान नेता है। राकेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, मरेंगे या जीतेंगे, ऐसे में रास्ता निकलता तो दिखाई नहीं देगा, अब क्या आगे का कदम? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बातचीत तो गतिरोध बरकरार है, बातचीत टूटी हुई सी लग रही है, ऐसे में आप कहां रास्ते की उम्मीद देखते हैं? क्योंकि जब तक दो कदम आगे आप नहीं बढ़ेंगे, दो कदम सरकार नहीं बढ़ेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। ये तो रास्ता तो सरकार को निकालना है, हमारे हाथ से कोई रास्ता निकलता होता तो अब निकाल देते हैं।
रास्ता सरकार को निकलना है। ये तो बगैर मुकदमे की तारीख है, हमको झेलनी है। किसान तो बगैर मुकदमे की तारीख कर रहा है, 15 तारीख में फिर करेगा। सरकार को जब सहूलियत होगी, जब वो रास्ता निकाल लेगी। सरकार को भी सहूलियत लग रही है कि यहाँ ठीक ठाक काम बढ़िया चल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान पड़ा है, पड़ा रहने दो। नहीं तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, सरकार जानबूझ के मीटिंग टाल रही है, आपको विकल्प नहीं दे रही है? सरकार तो आपसे विकल्प पूछ रही है कि आप विकल्प दे दीजिए। हाँ नहीं नहीं बता दिया ना, या 3 बिलों को वापसी लो, MSP पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को लागू करो, हमने तो दे दिया विकल्प। इस अलग और क्या दे हम भाई, हमारे पास तो इस अलग है नहीं कुछ। ठीक है, आपके पास इससे अलग नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि सरकार कहती है कि आपकी 2 मांगे, हाँ। एक मांग कम से कम 3 कृषि कानून को वापस लेना उनके लिए असंभव है। सरकार अब ऑन रिकॉर्ड इस बात को साफ कर चुकी है। अच्छा, हाँ तो हमने भी खराज कर दिया, हम घर वापसी नहीं जाएंगे। सरकार बिल वापसी नहीं करती, हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 26 तारीख में परेड निकाल लेंगे, पहले तो उसकी बात करो। अब तो गणतंत्र दिवस है, इसे मनाएंगे 26 तारीख में, सब मिलजुल के बड़ा मनाएंगे, अब की बार बड़ा करेंगे, ऊंचा झंडे के साथ में, ट्रैक्टरों के साथ में निकाल लेंगे, भव्य, पूरी दुनिया देखेगी उसको। ठीक है, पूरी दुनिया देखेगी। सीधे चलता हूँ शिव कुमार कक्का जी के पास। कक्का जी आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है गतिरोध तो बढ़ता जा रहा है, फिर आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या आपने इसके बारे में सोच और विचार किया है? और सरकार कह रही है आप विकल्प दे दीजिए, आप क्या विकल्प सुझा रहे हैं उनको? देखिए, गतिरोध वार्ता से ही टूटेगा। सरकार को हम प्रपोजल दे चुके हैं पहली बैठक में, आज 9 राउंड बैठक खत्म हुई है, कि 3 कानूनों को रद्द करना है, MSP पर गारंटी का कानून बनाना है। हमारी बहुत सी मांगें थी, C2+50 की मांग भी हमारी थी, लैंड बिल की मांग भी हमारी थी, हमने सारी मांगों को साइड में किया है और केवल 2 मांगों पर हमने केंद्रित किया है। हम 10 कदम पीछे आए हैं सरकार से, सरकार तो 9 कदम की बात कर रही है। हमारा फोकस केवल 2 मांगों पर शुरू से है, अभी भी रहेगा, और इन 2 मांगों से कम पर कोई समझौता सरकार के साथ नहीं हो सकता। ये मंशा हम 9 राउंड में एकदम स्पष्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद भी सरकार ने कहा है कि हम 15 तारीख को आपसे वार्ता फिर करेंगे। हम 10 तारीख को अपनी बैठक कर रहे हैं सभी संगठनों की, और उस बैठक में हम ये भी तय करेंगे कि सरकार से अब वार्ता की जाए 15 तारीख को अथवा ना की जाए, ये भी हम तय करेंगे, और तमाम रणनीति हम बनाएंगे, ये 10 तारीख को तय करेंगे। ठीक है, 10 को तय करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब मैं एक्सपर्ट से बात करता हूं तो उनका कहना है कि अगर सभी चीजों पर MSP दे दी गई तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक होगा। अव्यवहारिक इसलिए होगा क्योंकि अब तो जो बाजार है वो रेट तय करता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक स्तर पर MSP की गारंटी का कानून बनाया जा सकता है और उसको उसमें पिनलाइज करने यानी सजा देने का प्रावधान भी जुड़ सकता है? क्या व्यवहारिक तौर पर यह पॉसिबल है? कैसे, आप मुझे समझाइए। हाँ है व्यवहारिक रूप पे। हमने ये नहीं कहा कि इसकी पूरे की खरीद सरकार करेगी, आप इसका कानून बना दो और मार्केट में कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करने के लिए खरीद करेगा तो इसके वो कंपनी खरीद सकता। अगर कोई आम आदमी कोई खरीद रहा है, किसी से लेन देन कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं भाई, वो खरीद लो जहाँ उसका सौदा हो गया। लेकिन व्यापारी पे एक वो हो जाएगा कि लिखत पढ़त में व्यापारी उसके कंपनी खरीद करेगा भाई। मिनिमम सेल प्राइस भी तो तय होना चाहिए ना इनका। अब मक्का का आटा 8 रुपये में 10 रुपये में खरीद के और 120 रुपये किलो तक बेच रहे हैं, बाजरा 11 रुपये का खरीद कर 45 और 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो कोई तो चीज़ तय करेगी ना सरकार भी। मतलब किसान ने अगर कह दिया तो उसमें तो बहुत हलचल होती है, कौन कितने रेट में बेचेगा उसका तय नहीं होता भाई। आप साबुन लगा लो, कोलगेट लगा लो, कोल्ड ड्रिंक लगा लो, सब आप अपने रेट तय करते हैं देश में, जब महंगाई नहीं आती। अगर किसान ने MSP मांग लिया जो सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा, तो देश में आफत आ गई। ये व्यापारियों का साथ जब तक सरकार देना नहीं छोड़ेगी, ये गतिरोध जारी रहेगा ऐसे ही। नहीं, मैं आपसे मतलब हमने कोई बाजार पर मांग लिया क्या हमने? ठीक है, मैं आपसे डेविल्स एडवोकेट बनके एक सवाल करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि सपोज एक व्यापारी है और आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया 100 रुपए,
इंटरनेशनल मार्केट में 80 रुपए मिल रहा है तो वो 80 रुपए में वहां से खरीद लाएगा? 100 रुपए का आपका माल रखा रह जाएगा, फिर कौन खरीदेगा? कहाँ खपत होगी, कहाँ बिकेगा? इसका व्यवहारिक पक्ष कैसे समझाएंगे राकेश टिकैत जी? व्यवहारिक पक्ष ये समझाएंगे कि बाहर से सरकार क्या कर रही है फिर हमारी, भाई अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी क्या सरकार? जैसे इन्होंने चिन्नी पे कराया है, अभी चिन्नी इंटरनेशनल मार्केट में चिन्नी सस्ती है, अपने किसानों को कैसे प्रोटेक्शन देंगे? तो चिन्नी पर 100% ड्यूटी लगाई, उसका रेट तय करा चिन्नी का, चिन्नी का रेट तय करने के बाद में 3150 रुपये चिन्नी का रेट तय करा 3100 रुपये किलो, और अब अगर बाहर से चिन्नी आएगी तो पहले 3130 रुपया किलो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद पाएगा। इसी तरह से दूसरे चीज़ों के रेट को सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये होगा। भाई अपने किसान को अगर एक बार सस्ता उसको बाहर से मिल गया और उसके बाद में किसान ने यहाँ पे बोना छोड़ दिया तो उसके बाद में कहाँ से आएगा? किसान तो मर जाएगा यहाँ का। अपने किसान को भी सरकार को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जब भी यहाँ के कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलेगा बाहर के दुनिया के भरोसा हम रह जाएंगे क्या? दुनिया में 72% तक सब्सिडी है, उस सब्सिडी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमें यह है कि हर कदम कदम पे सरकार हमारी सपोर्ट करनी पड़ेगी, सरकार को जब ही कंज्यूमर की सपोर्ट होगी उस पर कानून बनाने पड़ेंगे कुछ। ठीक है कक्का जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आता हूँ डेविल्स एडवोकेट बनके। मुझे किसी एक एक्सपर्ट ने बताया कि 80 रुपए में मक्का इंटरनेशनल मार्केट में था, मैं रफ प्राइस बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 100 रुपए में भारत के अंदर बिक रहा था, इम्पोर्ट हो गया बाहर से, यहाँ का धरा रह गया, क्या ऐसी संभावना से आप इनकार कर सकते? देखिए जब तक आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, गुणात्मक आयात निर्यात की पॉलिसी तय करना पड़ेगी। आज मक्का नहीं, मोजाम्बिक से हम 2 लाख मैट्रिक टन तुअर बुलवाते हैं, क्यों? हमारे देश के किसान की उसमें कौन खरीदेगा तुअर को? जो चीज़ हमारे देश में पैदा होती है मसूर, वो गल्फ कंट्रीज में बहुत तेज़ी के साथ बिकती है, अच्छे भाव में बिकती है, उसके निर्यात पर आप रोक लगाते हैं। शकर आप पाकिस्तान से बुलवाते हैं, उसके बाद अभी आपने भूटान से 10 लाख मैट्रिक टन आलू बुलवा लिया है। जब बाहर से आप सामान बुलवाएंगे तो देश के अन्नदाता को दाम कैसे मिलेगा? 5 लाख मैट्रिक टन आपने मक्का बाहर से बुला लिया है तो देश के अन्नदाता का मक्का 700, 800, 1000 बिक गया है। तो सरकार को आयात और निर्यात को तय करना पड़ेगा कि देश की आवश्यकता क्या है और हमारे यहाँ उत्पादन किस रेशियो में हो रहा है। अब 2 लाख मैट्रिक टन तुअर मोजाम्बिक से आती है, 2021 तक आएगी। प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे, अनुबंध उन्होंने किया था कि 1 लाख मैट्रिक टन तुअर आएगी, उसके बाद 25,000 हर साल बढ़ती जाएगी, इस साल 2 लाख मैट्रिक टन आई हुई है। तो सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा, दालों की कमी है, जब बाहर से आप बुलवा रहे हैं, अगर दलहन की फसलों को सरकार बढ़ावा देगी, अच्छा मूल्य देगी, समर्थन मूल्य प्रॉपर देगी तो हमारे किसान दालें पैदा करेंगे। 80,000 करोड़ का तेल बाहर से आता है, मेरे जमाने में ये बिल्कुल सही फैक्ट है। हाँ, ये मेरे जमाने में हम 1 ग्राम तेल भी बाजार से नहीं लाते थे, घर में तिली पैदा होती थी, उसी का तेल कोलू में परवा के घर में खाते थे। आज 80,000 करोड़ का तेल आ रहा है, अगर सरकार तिलहन की फसलों को बढ़ावा देगी तो इस देश में 1 किलो तेल बाहर से नहीं आएगा। इस देश का किसान इतना ताकतवर है कि पूरा तेल इस देश के अंदर पैदा कर देगा। हमको सरसों का भाव अच्छा मिले, तिली का भाव अच्छा मिले, अलसी का भाव अच्छा मिले, मूंगफली का भाव अच्छा मिले तो हम तिलहन और दलहन की फसलों की ओर जाएंगे, ताकि सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और 80,000 करोड़ की बचत होगी जो देश के किसानों को मिलेगी। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने दलहन की फसलों को बढ़ावा देना कक्का जी शुरू किया है, क्या मैं ठीक हूं? शुरू किया है मगर इतनी देर हो चुकी है, शुरू तो किया है मगर बढ़ावा मैं आपने अभी, जैसे रमतिल्ला है, अब रमतिल्ला पूरे देश में होता है 200 क्विंटल, उसके दाम की MSP कर दी आपने 4 गुना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे अधिक पैदावार गेहूं की और धान पैड़ी की होती है, जिस पर आप 10 रुपया और 20 रुपया बढ़ाते हैं। पहले 4 साल में, जब मोदी सरकार के पहले 4 साल थे, 1 रुपया भी MSP नहीं बढ़ाया गया, और मोदी जी ने आते ही साथ 100 रुपया जो बोनस हमको गेहूं पर मिलता था
उसको वापस कराया, धान पर बोनस मिलता था उसको वापस कराया, जिसके कारण किसान की हालत और खस्ता हो गई है। रिकॉर्ड मैं डॉक्टर मिश्रा के पास आप दोनों के पक्ष को लेकर चलता हूँ, फिर अभय भाई मैं संबित पात्रा जी का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। सीधे मैं चलता हूँ डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, क्या इंटरनेशनल मार्केट में एक्स प्राइस और भारत में एक्स प्राइस, और इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस कम और भारत की प्राइस ज़्यादा, क्या ये चल पाएगा आने वाले ऐसे समय में जब हम ओपन इकोनॉमी की पूरी बात कर रहे हैं वर्ल्ड में? दीपक भाई, आपने आज डेविल्स एडवोकेट बनकर बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं, और हम समझते हैं कि हमारे जितने किसान बंधु हैं, जितने उनके नेताएं हैं, उन लोग सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उन लोगों के पास तो सॉल्यूशंस हैं। यूसी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून का ज़रूरत क्यों पड़ा हमारे देश में? ये कानून का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो चीज़ हो, एक पॉलिसी बने हमारे देश में, एक किसान भाइयों के पक्ष में पॉलिसी बने, उनके हित के लिए पॉलिसी बने, इसलिए ना कानून लाया गया है। कानून और किस लिए लाया जा रहा है? कानून इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हमारे किसान भाइयों का सुरक्षा हो। तो इसको क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि कहीं पर भी संपर्क या हमारे संवाद में कहीं खोट नहीं है? सरकार वो चीज़ लाना चाह रहे हैं जो हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि होना चाहिए। केवल एक चीज़ की जो ज़रूरत है, अब विश्वास पैदा करना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक विश्वास ये पैदा करना होगा कि ये कानून वापस नहीं, ये कानून में यदि कोई कमी है उस कमियों को दूर करना ये आवश्यकता है। यदि कहीं पर भी शक है या कहीं पर भी ये समझ नहीं रहे कि ये कानून हम लोगों के पक्ष में नहीं है, तो किसान भाइयों को बैठकर सोच लगाकर, सही ढंग से सोचकर वो लैंग्वेज लाना होगा, वो भाषा लाना होगा, वो सोच लाना होगा उस कानून के अंदर जो आप लोग सोच रहे हो कमी है। हम ये नहीं समझते हैं कि इस पे हम लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इस पे सोल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आज जो हम सुने हमारे किसान भाइयों के नेताओं का बात, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि उन लोग वही चीज़ चाह रहे हैं जो हम लोग 20-30 साल से चाह रहे थे। हम ग्राहक के पक्ष में बात करते हैं, हम ग्राहक के लिए सोचते हैं, हम सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं ग्राहक की पॉलिसी बने, और ग्राहक की पॉलिसी तब बनेगा जब हम किसान भाइयों की पॉलिसी अपनाएंगे। जब किसान भाइयों की पॉलिसी अपनाएंगे तो ग्राहक को सही कीमत में, सही ढंग से कीमत में उनको सामान मिलेगा। और हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो किसानों को सब्सिडी नहीं देते हैं, सब जगह हर कंट्री में सब्सिडी दिया जाता है और हम लोग खुशी से देते हैं। हम लोग ग्राहक बनते हुए भी खुशी से ये सब सब्सिडी देते हैं क्योंकि ये हमारा पैसा है, ये हमारा कर का पैसा है, और हम लोग अपने कर के पैसा किसानों का घर तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये कानून बना क्यों, ये कानून किस लिए बना। ये कानून इसलिए बना क्योंकि आज जितने हमारे वक्ता ने कहा है हमारे पहले, उनको सबको समझ है, उन लोग सब समझते हैं कि कानून का जरूरत क्या है। क्योंकि यहाँ ऐसा बात है कि जिनके लिए कानून बना है, जिनका पक्ष के लिए कानून बना है, जिनके लिए हम लोग अपना कर का पैसा देना चाह रहे हैं, हम लोग उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, उनको सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं। हम बीच के बिचौलिए को नहीं बांटना चाहते हैं कि हमारा कर का पैसा बीच के बिचौले खा ले। हम लोग चाहते हैं कि एक सही रूप से एक सही पॉलिसी बने, और ये वर्ल्ड भर में पॉलिसी है, वर्ल्ड भर में जहां पर भी आप चले जाइए हर एक जगह पे सब्सिडी दिया जाता है, और हम लोग देना चाहते हैं। मैं पठानकोट सीधे चलता हूँ, माफ कीजिएगा गुरदासपुर। सुखदेव सिंह जी मेरे किसान भाई मेरे से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह जी, क्या टिकैत साहब और कक्का जी की बात से आप सहमत है, और क्या आपको लगता है कि वाकई कृषि कानून वापस लिया जाए तभी आंदोलन खत्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम ये सारे किसान ये चाहते हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल गलत बने हैं, इनको वापस होना चाहिए। तभी तभी जो ये जो किसान दिल्ली की सरकार है तभी उठेगा। ठीक है, कानून वापस लिए जाने चाहिए। राकेश शिकैत जी आपकी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। एमएसपी पर कितना किसान बेच पाता है? सिर्फ 6%, और ज्यादातर क्या होता है, आढ़तिया जो है वो औने पौने दाम देता है,
एफसीआई से सेटिंग करता है और एमएसपी का भाव जो है टिकैत जी आढ़तीय के खाते में जाता है और किसान वही झूला झूलता रह जाता है। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या इस नाम पर, एमएसपी के नाम पर आढ़तीय किसानों का शोषण नहीं करते? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब कानून बन जाएगा जो आढ़ती है वो सस्ते में नहीं खरीद पाएगा, जो व्यापारी है वो सस्ते में नहीं खरीदेगा ना फिर। नहीं, एक बार उसकी सेटिंग तो तब भी रहेगी ना, अभी क्या उसकी सेटिंग एफसीआई से है? उसकी सेटिंग तो तब भी रहेगी ना, वो छोटे व्यापारी से 100 किलो खरीदेगा, दूसरे से 200 किलो खरीदेगा। व्यापारी सस्ते में नहीं खरीद, अरे मैं जब ये कह रहा हूं कि व्यापारी जब भी तो सस्ते में खरीदता है कि कानून नहीं है, वो ये नहीं है कि सस्ते में खरीद कर अपने नाम से बेचता है, वो किसान के नाम से बेचता है, सस्ते में खरीदता है किसान के नाम से बेचता है। जब एमएसपी हो जाएगी तो व्यापारी सस्ते में खरीदेगा ही नहीं, जितनी एमएसपी को जरूरत होगी वो खरीद सरकार खरीद लेगी, जितनी व्यापारी को जरूरत होगी व्यापारी खरीदेगा। ठीक है, अभी तो ये होता है ना कि एमएसपी के नाम का जो आता है वो खरीदता है छोटे छोटे किसानों से और उसको बड़े कीमत पर एफसीआई को बेच देता है। क्या मैं गलत हूं कक्का जी? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून की जो दरकार है एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी अगर होती है तो किसान का माल तो एमएसपी पे बिकेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। रजिस्ट्रेशन होता है बकायदे, खाता देखा जाता है, वही बुक बुक आती है, सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है कि आज जिसको गेहूं बेचना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वो तमाम चीज़ होती है। तो टिकैत साहब ठीक कह रहे हैं कि गारंटी का कानून बनना ज़रूरी है और जब तक ये गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक हमको जो एक्ट है इसमें प्राइवेट मंडियाँ होंगी। जब सरकारी मंडियों में भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जब प्राइवेट मंडी होगी जिसमें तोलावटी प्राइवेट होगा, टॉल मशीन प्राइवेट होगी, व्यापारी 3 दिन में हमको पेमेंट करेगा, 3 दिन में वो, अभी मध्य प्रदेश से आप भी आते हैं मैं भी आता हूँ, मध्य प्रदेश में 90 केस ऐसे हो चुके हैं जिनको 5 महीना हो गया है, 5 महीने से 3 किसान को केवल न्याय मिल पाया है, बाकी किसानों को पेमेंट नहीं मिला है। तो ये मंडियों की दुर्दशा, ये कानून लागू होने से 6 महीना हुआ है, अभी केवल 6-7 महीने हो गए। ई अनुज्ञा एक पोर्टल है दीपक जी, उसको आप खुलवा के दिखवाइए। ई अनुज्ञा मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है जी, जी। जिसमें 70% मंडियां दफन हो गई इस कानून के चलते, पूरी तरह ताला लग गया है। 30% मंडियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनमें सब्जी फल वगैरह आते हैं जिसके कारण उनकी सांसें चल रही हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट देखना है अगर इन 3 काले कानूनों के, तो मध्य प्रदेश का ई अनुज्ञा पोर्टल की स्टडी कर ले। मंडियों की आय लगभग खत्म हो चुकी है, वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं। प्राइवेट मंडियों के लिए अकेले इंदौर में 40 व्यापारी लाइन में लगे हैं। सरकार 2 हेक्टेयर जमीन फ्री में दे रही है प्राइवेट मंडी खोलने के लिए बगैर लाइसेंस के। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा वो व्यक्ति मंडी में सामान खरीद सकता है इस कानून में। अभी ये केस आया है कि 90 लाख एक व्यापारी लेकर चंपत हो गया, 5 करोड़ का माल लेके एक दूसरा व्यापारी चंपत हो गया, किसान घूम रहे हैं, हम न्यायालय नहीं जा सकते, SDM के पास चक्कर लगा रहे हैं 5 महीने से, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, ये तमाम गड़बड़ियां हैं इसमें। और मैं एक आखिरी प्रार्थना, एक प्रार्थना, एक मिनट करो जी, जो हमारे ज्ञानी जी कुछ बता रहे थे अभी बीच में, विद्वान हमारे जो भी हैं ये, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से यहाँ से, कोरोना जैसी महामारी में अध्यादेश के जरिए ऐसी कौन सी पहाड़ टूट रहा था सरकार के ऊपर कि अध्यादेश के जरिए बगैर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है, सीधे कृष्णवीर जी के पास चलता हूँ। कृष्णवीर जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि इस कानून को लंबे समय से मांगा जा रहा था? फिर अभय दुबे जी को लाऊंगा डिस्कशन के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आ गई है, उनको लाना जरूरी है, हम सब एक ही राज्य के। कक्का जी, 20 साल से ज्यादा हो गए वैसे मांग करते करते तो, और 2005 में स्वामीनाथन कमीशन ने बार बार बैठकों का आयोजन किया था और तमाम प्रदेशों के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत करी थी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने, जिसमें मुझे भी कई बार बुलाया गया था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसमें ये सब चीज़ें थी कि भाई आखिर बाज़ार में कैसे सुधार हो, जो किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता उसमें कैसे उसको भाव मिले। किसान की स्थिति ये है
कि वो अपना गेहूं आटा चक्की वाले को नहीं बेच सकता, ना आटा चक्की वाला खरीद सकता है सीधे, धान बेचना पड़ेगा, चावल नहीं मिलिंग नहीं कर सकता किसान, उसकी मजबूरी है कच्चा माल बेचना। मैं तीसरे उदाहरण पे आता हूँ, अभी इस कानून के बनने के बाद 4 लाख गुड़ के कट्टे मुजफ्फरनगर के मंडी में आढ़तियों ने बाहर जाके खरीदे हैं सीधे किसानों से, और वो 60 रुपये उस पर टैक्स बनता था, 40 रुपये ज़्यादा दे के, ये मुजफ्फरनगर की बात मैं कर रहा हूँ, 40 रुपये ज़्यादा दे के 4 लाख कट्टों खरीद हुई है। ये बात जो है, कुछ चीज़ें हैं और जो समस्याएं हैं वो भी सही बात है, और ये कक्का जी ने जो बात कही मैं उस पर भी आ रहा हूँ, तिलहन पर, तिलहन का उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से हमने बाज़ार खोला सरकारों ने और जिस तरीके से पामोलिन के अंधाधुंध आयात हुआ था, तो उससे बर्बादी तो हुई ना तिलहन के क्षेत्र में, और नहीं तो एक समय वो था कि देश आत्मनिर्भर था, 1993-94 में 3-4% की शॉर्टेज कुल खाद्य तेलों की थी। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि बाजार क्यों खोलने की बात हो रही थी बार बार, सुन रहे होंगे कक्का जी भी और राकेश भी, बाजार इसलिए हो रही थी कि सिर्फ 6% लोगों को MSP पे खरीद होती है। बिहार में सच्चाई है कि 800-900 रुपए कुंटल पे धान खरीद कर, और पंजाब का टोटल उत्पादन कितना है उसमें बासमती कितनी है और गैर बासमती कितनी है, और गैर बासमती से ज़्यादा FCI में खरीदी कैसे MSP पर जो आपूर्ति करी जा रही थी वो बिहार से लाया वहाँ दे दिया गया। ये व्यापारियों का खेल था, किसी और का खेल नहीं था ना सर। इसमें व्यापारी अगर ना खरीद के लाए तो वहाँ कैसे धांधली होती, और वो सब मिली भगत के साथ हो रही थी, पूरा सिस्टम उसमें मिला हुआ है, कोई ये नहीं है कि एक व्यक्ति इस अपराध के लिए जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम वहां का जिम्मेदार है, ये सच्चाई है। आप ये देखिए कि जब हम आटा चक्की वाले को गेहूं नहीं बेचने की परिस्थिति, मेरे साथ संबित जी जुड़ गए लेकिन अभय दुबे जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। देखिए बाजार, एक मिनट दीपक जी, बाजार इसलिए थोड़ा जरूरी है। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सवाल, बातचीत अभी अटकी हुई है तो आप तो बल्ले बल्ले होंगे आज की, देखिए किसान और सरकार रास्ता नहीं निकाल पा रहे। देखिए दीपक जी, इतिहास लिखा जा रहा है सरकार की बर्बरता का, किसान की बेबसी का, सरकार की खुदगर्जी का, किसानों की खुददारी का, और ये तारीख पर तारीख जो है ये सरकार के गुनाहों की गवाह बनेगी, याद रखिएगा। आपके कक्का जी ने एक बात, मोदी जी ने आते ही सारे राज्यों को आदेश दे दिया था कि जो भी समर्थन मूल्य से ऊपर 1 रुपया भी बोनस देगा उसका अनाज खरीदना बंद हो जाएगा, और तर्क ये दिया गया था कि सिर्फ गेहूं और धान की ही खेती प्रोत्साहित होती है इसलिए बोनस दिया जाना बंद करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री जी थे तो सुझाव इसी बुनियाद पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था अगर निजी क्षेत्रों में भी आप समर्थन मूल्य को लागू कर देंगे तो ये जो एक प्रकार की फसलें हैं इनको बढ़ावा उतना नहीं मिलेगा, सभी प्रकार की फसलों को हम पर्याप्त मात्रा में दाम दे पाएंगे। ये बात आज विश्व व्यापार की कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी आपको देता हूं, सरकार ने ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगाई जनवरी फरवरी के माह में, आज सोयाबीन की जो दाम है 3,880 रुपये समर्थन मूल्य है, मुझे देश की कोई एक मंडी में बता दीजिए 2-5% कहीं ज्यादा मिला होगा तो मिला होगा, सोयाबीन के किसान को दाम नहीं मिला, लेकिन सोयाबीन का तेल 80 रुपए का 135-140 रुपए हो गया। कौन 3 बड़े व्यापारी हैं जो सोयाबीन के खेल में अभी कूदे बताइए, और ये क्यों हुआ? क्योंकि इस कानून में सरकार ने कह दिया कि जो नॉन पेरिशेबल और पेरिशेबल आइटम है उसमें 100% दामों की जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और ये तो प्रोसेसिंग वाले हैं, इनको तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी, इन पर तो कोई कानून ये लागू ही नहीं होगा। तो ये एक नियोजित रूप से मोडस ऑपरेंडी है कि आप संग्रहित करके दाम बढ़ा दो और ऐसे समय फसलें बाजार में उतारो जब किसान की फसलें आने वाली होती है और दाम। मैं इसी का जवाब लेता हूं संबित पात्रा जी से। संबित पात्रा जी, आप नहीं आए थे तब सबसे बुनियादी सवाल उठाया गया था कि लॉकडाउन के वक्त एकाएक अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को किसानों को बिना बताए ले आना, क्या ये वाजिब था?
देखिए पहले तो दीपक जी मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं देर से जुड़ा हूं और अधिक समय के लिए भी रह नहीं पाऊंगा क्योंकि 9 बजे से आपके पास बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता होंगे, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका जवाब दूं। देखिए लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत करके भारत की इकोनॉमी को, भारत के एग्रीकल्चर को और बुनियादी रूप से हम कैसे स्ट्रांग कर सके और पैसा कैसे किसानों तक पहुंच सके, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की, इसमें कोई बुराई नहीं है। और समय रहते पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके मत के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से ये दोनों एक्ट फाइनली कानून बने और इसको प्रेसिडेंशियल कंसेंट मिला, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप ही हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस के अनुरूप नहीं हुआ है। क्या किसानों से पूछा गया? ये जो चिट्ठी जारी की गई, आपको याद होगा 6 पन्नों की एक चिट्ठी जारी की गई थी हमारे माननीय किसान मंत्री, कृषि मंत्री तोमर जी द्वारा, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किस प्रकार से सन 2000 से पहले कितने कमिटी ऐसे बने थे, कितने कमिटियों के सुझाव आए थे कि एपीएमसी का रिफॉर्म होना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी अमेंडमेंट या संशोधन होना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कमिटीज के सुझावों को ये जो पूरा का पूरा प्रावधान तैयार किया गया है उस पे किया गया है। नंबर 3, आप याद करिए स्वामीनाथन कमेटी को लेकर 2006 में जिस कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस पर कांग्रेस की यूपीए सरकार बैठी हुई थी, पहली बार मोदी जी ने इन सब रिफॉर्म को लागू करना चालू किया, और जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आज तूतू मैमे और चिल्ला रहे हैं, आप बताइए इनमें से तो सभी पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम आएंगे तो यही रिफॉर्म लेकर आएंगे। और तो और यहां पे दोगलापन देखिए, लेफ्ट पार्टी जो कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी समाप्त हो जाएगा, केरल के अंदर जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां तो मंडी प्रक्रिया ही नहीं है, मंडी सिस्टम ही नहीं है, वहां पर तो एपीएमसी है ही नहीं। आपने कितनी बार देखा है राहुल गांधी और बाकी तमाम लेफ्ट के नेता मिलकर एकजुट होकर केरल के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर मंडी चाहिए, एक बार भी नहीं, मगर यहां उनको डर है कि मंडी हट जाएगा। देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी, मतलब आज चल रहा है प्रधानमंत्री जी ने भी और आज तोमर जी ने भी कहा क्लॉज बाय क्लॉज हम इस पे डिबेट करने के लिए तैयार है, मगर यह कहना कि पूरी तरह से रिपील कर दीजिए, हम क्लॉज बाय क्लॉज इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, यही दर्शाता है कि अगर कोई गलती है तो आप क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए, केवल रिपील करिए तभी जाके हम मानेंगे, ये कहीं ना कहीं जिद को दर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और दीपक जी मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ूंगा क्योंकि किसी और चैनल में मैंने समय दिया हुआ है, 9 बजे से कोई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करता हूं और अनुमति लेकर दूर हो जानी चाहिए। ये कानून जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, इन्होंने इन 6 प्रावधान जो इन कानूनों में हैं 15 से 25 स्टेट एडॉप्ट कर चुके हैं, चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो या इंटर स्टेट ट्रेड की बात हो या ई ट्रेडिंग की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, ये है ऑलरेडी, ये सरकारें लागू कर रही थी। दूसरी बात, ये तर्क देना बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं का कि केरला पर नहीं बोलते, अरे साहब केरला की एक बार देख तो लीजिए फसलें क्या उत्पादित होती है, केरला में आपकी चाय उत्पादित होती है, रबर होता है, नारियल होता है, धान होता है, जिसका प्रोक्योरमेंट वहां सरकार द्वारा 4 लाख मेट्रिक टन इस बार किया गया है। पर इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना भाई, दुबई वहां मंडी नहीं है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना आप, ये भी तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वहां सरकारी प्रोक्योरमेंट सेंटर है, लेकिन बिहार को स्टडी कीजिए, बिहार पर खुद, अरे भाई केरल को क्यों ना करें, बिहार को ही क्यों करें, इसका भी लॉजिक समझा दीजिए। देखिए वो बिल्कुल आपका ठीक तर्क है, केरल से बिहार का या देश के दूसरे राज्यों से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है। 2013 में हमारी सरकार ने बाकायदा एक सर्कुलर उन स्टेट के लिए निकाला था, लेकिन इसे एक स्टडी हुई तो अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ऐसे 6 स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पर बाकी के भारतवर्ष की तरह फसलें नहीं होती जिस पर, और केरल तो वो पहला राज्य देश का है जिसने बेस प्राइस वहां फल सब्जियों का रखा है, लेकिन प्रोक्योरमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उस जो दाम तय की गए उससे ज्यादा दाम आज हैं। आज प्रधानमंत्री जी को उससे कम दाम है भाजी, उससे कम दाम है। चलिए मैं आपका जवाब ले लेता हूँ कृष्णवीर जी से, कृष्णवीर जी इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ठीक है भाई, मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू कृष्णवीर जी। अब
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ गए, कक्का जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले कृष्णवीर जी, अभय दुबे जी ने जो कहा है 11 अगस्त 2010 को सारे मुख्यमंत्रियों को ऑफिशियली पत्र लिखा जाता है, और उसमें तब लिखा जाता है जब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, और उस रिपोर्ट के आने के बाद जब वो लागू नहीं करी गई तो अब ये लिखा गया कि भाई ये बाजार खोले बिना, नहीं रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी जी, वही कह रहा हूं। लेकिन पहले शरद पवार जी ने 2005 में लिखा, फिर 2007 में लिखा, और आखिरी पत्र उन्होंने जो अपना लिखा वो 11 अगस्त 2010 को लिखा। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी बनाई गई, उन्होंने पहले सारे देश से 500 किसान लीडर्स को इकट्ठा बुलाया और वहां 2 दिन तक विस्तार से चर्चा करी, तब उन्होंने रिपोर्ट दी। इसके बाद 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, और तब ये फाइनल वर्डिक्ट उनका था कि भाई ये बाजार खोलना जरूरी है किसानों को सीधे बाजार से, इसलिए कि वो एग्रो प्रोसेसिंग का जो इंडस्ट्री है वो भी किसान उसको नहीं बेच सकता, तो पहले मंडी के आढ़ती खरीदेगा, वहां लेके जाएगा, फिर आढ़ती के पास वो खरीदने जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चक्कर है, इस चक्कर से बाहर कैसे निकाला जाए, और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को किसान को सीधे लिंक कैसे करा जाए, ये एक तो बात ये थी। दूसरा ये था कि जिस तरीके से अनाज खराब होता, फल खराब होती है, सब्जी खराब होती है, इन्वेस्टमेंट ये है कि जब तक क्लस्टर बेस नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं करेंगे, ये सारी नीतियां जो 15 साल में लाई गई हैं, और वो इसलिए लाई गई हैं, ये इतिहास लिखित में है क्योंकि हमारी उसमें भागीदारी है लिखित में पूरी, और ये इसलिए था कि भाई ये पेरिशेबल है, खराब हो रहा है, किसान का हर जगह नुकसान है। एक बात बताइए, मेरे मित्र सुन रहे हैं, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये किलो की सब्जी जो सुबह 6 बजे बिकती है वो कंज्यूमर तक पहुंचते हुए 20 रुपये की हो जाती है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 5 घंटे में 20 रुपये हो जाते हैं 4 गुने, और जो किसान पैदा करता है बीज से लेके, सिंचाई से लेके, तोड़ के खेत से पहले दिन लाता है, पूरा बवाल उठाता है, पूरा घर लगा रहता है, उसका अपराध क्या है कि उसका शोषण होता है। सही बात, चाहे लॉजिकल बात, प्याज की ले लो, टमाटर की ले लो, आलू का ले लो, दुर्गति पूरी है, शोषण किसान का है। और एक बात बताइए, जो सब कुछ पैदा करता है वो उसकी दुर्गति है, वो कर्जे में मर रहा है, और जो कुछ पैदा नहीं करते वो अरबपति और खरबपति हो गए हैं। यही तो पॉइंट है, मैं सीधे आप ही की बात को लेकर कक्का जी के पास जाना चाहूंगा। जीडीपी का खेल मैं आ रहा हूं, कृष्णवीर जी छोटा छोटा रखते हैं, सबको बात करने का मौका मिलेगा। मैं शिव कुमार कक्का जी के पास जाऊं, पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के मेरे साथ जुड़ गए हैं, अलका लांबा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और कक्का जी मेरे साथ है। कक्का जी, आपको नहीं लगता एमएसपी एक बहुत बड़ा, मतलब मैंने जितना स्टडी किया, ये तो किसी ने छत्तीसगढ़ में 2 एकड़ जमीन ले रखी है किसी आड़तीय ने, किसी ने मध्य प्रदेश में ले रखी है, किसी ने पंजाब में 2 एकड़ ले रखी है, और उसी के नाम से छत्तीसगढ़ से कम कीमत में धान खरीदा जाता है और एमएसपी पे उसको पंजाब और हरियाणा में बेचा जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो बड़े लंबे टाइम से व्यापारी जो छोटी छोटी जमीन खरीद के अपना दिखाते हैं वो करते आ रहे हैं। हकीकत में जो छोटा किसान है उसको तो इस एमएसपी सिस्टम से कोई फायदा है ही नहीं। क्या मेरी बात से आप डिसएग्री करेंगे? देखिए, छोटा किसान उगाता कितना है जो एफसीआई के गोदाम में भरेगा? देखिए, जो किसान उगाता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो अपना सामान एमएसपी पे जितना उसके पास होता है बेचता है। ये बात भी सही है कि बाहर के लोगों ने कुछ ज़मीनें ले रखी हैं और वो अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं, नाजायज फ़ायदा भी उठाते हैं, ये बात भी सही है। पर सरकार जब भी कोई सब्सिडी या नियम बनाती है तो उसमें बड़ी कंडीशन रखती है कि आप इनकम टैक्स पे ही तो नहीं है, आपके पास कोई आमदनी का और जरिया तो नहीं है, ढेर सारी कंडीशन लगाने के बाद में सरकार किसान को बेनिफिट देना चाहती वो देती है, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो सम्बित पात्रा साहब अभी चले गए, वो कह रहे थे कि हमने बहुत सारे लोगों से चर्चाएं की, हमने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में हमने पूछा कि सरकार कह रही है कि हमने 2,90,000 लोगों से चिट्ठियाँ आई थी हमारे पास, हमने पूछा था इस कानून को लाने के पहले,
आरटीआई में कह रहे हैं हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो सरकार लगातार भ्रम डाल रही है इसको मामले को लेकर। सरकार, मेरी बात केवल वहीं ज़्यादा है कि हम किसान हैं, हमारी सरकार है, कोई हमारी बाहर के लोग नहीं है भी। क्या हमको कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता नहीं थी? आपको बगैर कॉन्फिडेंस में लिए आप जो लेकर आए हैं, जिसके कारण ये तमाम चीज़ें पैदा हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। किसानों को विश्वास में लेकर अगर ये काम कोई भी कानून लाते हैं, जो ये भाई साहब कह रहे हैं, हुड्डा साहब ने 500 किसानों को बुलवाया था और 500 किसान नेताओं के साथ बैठ के चर्चा की, तो ये तो अच्छा संकेत है कि कम से कम उन्होंने उस कमेटी के पहले 500 किसानों को बुलाया। आपने तो 5 किसानों को बुलाना आवश्यक नहीं समझा। तो ये मैं सीधे आरपी सिंह से इसका जवाब ले लेता हूं। सिंह साहब, सरकार भ्रम फैला रही है, उसने ना कोई बातचीत की ना कोई डिस्कशन की, बस कानून लेकर आ गई। कुक्का जी अभी खुद ही कह रहे थे कि हुड्डा साहब ने 500 किसानों को बुलाया, मैंने तो नहीं कहा। और कुक्का जी कृपा कर वो आरटीआई की कॉपी मुझे भेज देना, मैं भी चेक करूंगा कि आपने प्रश्न क्या लगाया था और उत्तर क्या आया, क्योंकि प्रश्न क्या जाता है उसका उत्तर उसी प्रकार आता है। एक बार, दूसरी बार कक्का जी, ये 2003 से मामला चल रहा है, अभी चला। आप बोलोगे तो मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा, मेरे पास आपका नंबर है, ईमेल आईडी मुझे आप प्रोवाइड कर दो, तो आपके मेल पे किन किन कहां का कितने कितने वेबिनार हुए, कहां का चर्चा हुई, वो सब चर्चा भी भेज दूंगा। और कब कब सरकारों की, सर हमारी सरकार सरकारों की भी कब कब कितनी कितनी चर्चा, वो भेज दूंगा। अगली बार कक्का जी मुझे बता दो, हम मूल मुद्दे पे जाए, बाकी सब इधर उधर की बात मत करें। बात कर गई, थोड़ा आवाज बढ़ाना। बोलिए आरपी जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा कट रही है लेकिन आ रही है। चलिए आरपी जुड़ते हैं, तब तक दीक्षांत सूर्यवंशी बिजनौर से मेरे एक सम्मानित दर्शक जुड़े हुए हैं, तब तक आरपी सिंह जी की आवाज ठीक करिए, अलका जी को भी मुझे लेना है। दीक्षांत क्या कहेंगे, क्या ठीक कर रहे हैं किसान आंदोलन करके? आपको लगता है कि नहीं, रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ने के लिए किसानों के लिए कानून जरूरी है, आपका क्या मानना है? जी सर, पहले तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। और सर सवाल ये है कि किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं, मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे भी माता पिता ने मुझे खेती करके ही पढ़ाया लिखाया है और मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी किसानों ने जो मुद्दे उठाए, सरकार उन पर संवाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, सरकार संवाद कर रही है, सरकार के मंत्री संवाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो राजनीति हो रही है वो बहुत गड़बड़ चीज है। जैसे ये अरबन नक्सली, इन लोगों ने अपने हमारे किसान भाइयों को बरगला कर वो संवाद ही नहीं होने देना चाह रहे हैं, मुद्दों पे बात ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। सरकार, जैसे अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि सरकार पिटिए लोग पे बात करेगी, अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, संविधान है, जो संसद से कानून पास हुआ है वो एकदम से तो ऐसे नहीं हट सकते हैं, और सरकार किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार भी है। लेकिन ये नक्सली, जो अरबन नक्सली, कुछ नेता इसमें मूवमेंट में जुड़ गए हैं, बहुत बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? मैं सीधे आपके सवाल को शिव कुमार कक्का जी के पास ले जाता हूँ। कक्का जी, चलिए मान लिया सरकार ने कानून वापस ले लिया, इसी लाइन पर आगे भी तो कानून बनाना होगा ना, तो कान चाहे यहाँ से पकड़ ले चाहे कान यहाँ से पकड़ ले, बात तो बराबर है, इन्हीं कानून पर बात करके इसमें संशोधन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से तो लाना पड़ेगा ना कानून फिर से। देखिए, कान कहीं से पकड़े पर उसका तरीका तो अलग होता है ना, दाएं से पकड़ना कि घुमा के पकड़ना। कानून बने, इसमें कोई हमको दो मत नहीं है, एमएसपी की गारंटी मिले कोई दो मत नहीं है, पर सवाल इस बात का है कि किसानों को कॉन्फिडेंस में लेके बने। हमको ये गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप हमको जबरिया क्यों खिला रहे? हम कह रहे हैं हमारे लिए ये पॉइजन है, जहर है, आप जबरिया क्यों दे रहे? तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल को भानु जी के पास ले जाता हूँ। भानु जी, आगे या पीछे कानून तो इसी तरह के, इसी लाइन पर बनने तो पड़ेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये वापसी, वापस लेने की मांग, इस पर अड़ जाना ये ठीक है? भानु जी जी, ऐसा है, मेरी आवाज आ रही हो तो मैं बता रहा हूं। आप बोलिए बोलिए भानु जी, अड़ने की बात नहीं है, डिबेट में
आप इधर उधर ज्यादा देख रहे हैं। अड़ने की बात नहीं है, अड़ने की बात नहीं है। जब हम 11 से मांग कर रहे हैं, सन 11 से, कि किसान आयोग का गठन करके देश के किसान को आजाद कर दिया जाए, और अब तक तो आजाद केवल दो लोग हैं, एक तो है भारत के राजनेता आजाद अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपना वेतन बढ़ता बढ़ाने के लिए, और दूसरे आजाद उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, 1,000 रुपए की चीज को 1,00,000 में बेचने के लिए। और भारत का किसान तो पहले अंग्रेजों का गुलाम था हमारा बाप दादा, फिर हम कांग्रेस के गुलाम रहे, अब हम भाजपा के गुलाम हैं, कतई गुलामी नहीं चाहते। ये पहले राउंड में तो नोटबंदी कर दी थी, उसमें हजारों किसान मरे, हमारा खुद पुत्र मरा। भानु जी कौन गुलामी करने को बोल रहा है आपको इस आजाद देश में? गुलाम नहीं है तो और क्या है? जब कीमत हम लगाएंगे, हम जो पैदा करते हैं उसकी कीमत हम लगाएंगे। कौन होती है सरकार हमारे लिए कानून बनाने वाली? ठीक है, हम बनाए सर, हम लगाएंगे कीमत, कानून बनाएंगे अब, और सरकार खरीद करेगी। भानु जी, सरकार का काम ही कानून बनाना होता है। आरपी सिंह जी 30 सेकंड आपके, फिर मैं अलका जी के पास जाऊंगा। अरे सरकार सुनिए, कानून कुछ नहीं है, ये सरकार खरीद करेगी। उद्योगपतियों के लिए किन्ने कानून बना दिया? हवाई जहाज जो बनाता है, हेलीकॉप्टर वो बनाता है, वो कीमत देकर खरीदते हैं। हम गन्ना बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। क्या मतलब, क्या मतलब? हम गन्ना कीमत लगाएंगे, आपके फिर मुझे अलका के पास जाना, हम लगाएंगे उस पर सरकार को खरीदना पड़ेगा। ठीक है भानु जी, आता हूं मैं आपके। हेलो, हम तो भानु जी की बात को, सरकार को हम जो लगाएंगे कीमत, ठीक है, आरपी सिंह जी बोले, ऊपर खरीदना पड़ेगा। हम तो भानु जी की बात के पक्षधर हैं, ये कीमत तय करें, बेचे अपनी कीमत पे बाहर जो बेचने, हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं यही तो हम चाह रहे हैं, यही तो हम करना चाहते हैं। हम तो सोचे, ये कक्का जी, ये हमारे किसान नेता है कैद साहब, उनका बयान मेरे पास अभी, मैं प्रिंट कॉपी हूँ वही, मेरे कीमत लगाएंगे, सरकार को खरीदना पड़ेगा। अरे सर, आप लगाएंगे ना कीमत, अगर जितनी सरकार को जुड़ दो खरीदेगी, सरकार खरीदना पड़ेगा, सरकार खरीदेगी खाद्यान्न, खाने की व्यवस्था सरकार, मिलिट्री खावे, पुलिस खावे, राजनेता खावे, पूरा देश खावे, तो हम नहीं, सरकार की हमारा न खरीदेगी तो सरकार खाद्यान्न कहां से लाएगी? ठीक है, एक मिनट भानु जी, सरकार को खरीदना पड़ेगा। आरपी भाई कंक्लूड करिए, मुझे अलका के पास जाना है। एक मिनट, आज हमारे भारतीयों की मीटिंग थी, नहीं मानी बात, नहीं किसान कानून वापस नहीं होंगे, तो अब हमारी मांग है कि अब तो किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, और सीधे अलका मैं आपके पास आऊंगा। तर्क से सहमत है आरपी सिंह जी क्या? आप उनका कहना है यही तो चाह रहे हैं कि किसान अपनी कीमत खुद तय करे, इतना अच्छा माल उगाए कि व्यापारी मुंह मांगी कीमत पे खरीदे। आरपीएन जी का क्या कहना है कि किसान सहारा दिया, वो किसान अच्छी फसल नहीं उगा रहा है, यानी कि फिर ठीक रहा, किसान के सर पर फोड़ दीजिए कि ये लोग इसलिए दाम नहीं दे रहे क्योंकि किसान ही निकम्मा नकारा है। हमने कब कहा? अरे अलका लाबा, आपको किसान के बारे में क्या पता? ठीक है, अलका लाबा को आपको बहुत पड़ता है। अरे अलका लाबा को किसानियत के बारे में क्या पता? किसानों के बारे में क्या पता? अरे अलका लाबा जी, आप कहा अपने अपने पार्टी को बोला करो, लोग भेजा करें जिनको किसानियत के बारे में पता हो। पर फिर भी आप तो पिज्जा खाने वाले, बर्गर खाने वाले लोग हो। जो अरे छोड़ो ना, आप कहा किसानियत की बात करने लगे हो? आपके नेता को नहीं पता किसानियत के बारे में? मैं चैलेंज देता हूँ, मैं एक भैंस और गाड़ी खड़ी कर दूं तो उसका उसका अंतर नहीं बता पाओगे? वादा मेरा अलका और आरपी भाई से ही सुनूंगा। बर्गर भी आ गया, पिज्जा भी आ गया, ट्विटर भी आ गया, सब आ गया किसानों की बहस में ब्रेक के बाद। लेकिन किसान उगाता नहीं तो बर्गर और पिज्जा कहाँ से बनता है, ये भी सोचना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आते हैं फिर से।